एक जनरल सवाल जो मुझे आजकल हर जगह पूछा जा रहा है, मिल रहा है, कमेंट में भी जो बच्चों के डाउट आते हैं उनमें, जैसे वो अदर स्लाइड वाली डाउट होती है ना, अदर डाउट्स वाले, उसमें जो मैक्सिमम डाउट चल रहा है वो यही है कि सर हाउ वी कैन मैनेज स्कूल विद पीडब्ल्यू क्लासेस या कोचिंग क्लासेस के साथ स्कूल कैसे मैनेज करें। और यही सेम डाउट अभी मैं कल परसों नोएडा पाठशाला जो है वहां गया था, तो वहां पे मुझे एक बच्चा मिला, थोड़ा सा मतलब आवाज में भारीपन था, मैं समझ गया कि थोड़ा परेशान है। मैंने बोला कि क्या है, बोले कि सर स्कूल नहीं मैनेज हो रहा है। तो मैंने बस वही बात बोली जो एकदम 100% ट्रू है, आप मैनेज करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है उसको कहीं बाउंड तो नहीं कर दे रहे हो। मैनेज का मतलब क्या है, समझ में आया? जैसे अब मान लो मैं आपके फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं बैठे हो अपने घर में या जो स्टडी एरिया है उसमें, आपको लगता है ये गंदा हो चुका है या कचरा कुछ तरफ है, कुछ कचरा कुछ है। ये सर हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, या तो हम पूरा कचरा निकाल कर पूरे कमरे से बाहर कर दे, जिसको हम बोलते सफाई हो गई, झाड़ू वाड़ू लगा दी, बट सर अभी हम झाड़ू लगाने की हालत में है नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं एक तरफ कर दो उसको, समझ में आया? जहां आप बैठे हो उससे हटा कर एक तरफ कर दो, बस अपना काम बढ़िया चल रहा है। तो मैनेज का मतलब है कि आप स्कूल को इग्नोर करके चलिए प्लीज। और दूसरा, मैं पहले भी बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं बेटा, नहीं होता है मैनेज हर किसी से या फिर सभी लोगों से मैनेज नहीं होता है। सब लोग बस चल रहे हैं उस पे, चलते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्कूल में नंबर कमाएंगे शुरू शुरू में, मैंने बहुत बार पहले भी बोला था, स्कूल को आप इग्नोर करके ही चलिए प्लीज। स्कूल वाले बुलाएंगे, बिल्कुल सही, अटेंडेंस भी लगाएंगे, अब तो प्रैक्टिकल का टाइम आने वाला है थोड़े दिन में, फिर हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे तो बुलाएंगे, परेशान करेंगे भैया, कोई इलाज नहीं है, समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के चक्कर में ये वाली क्लासेस छोड़ दो, बिकॉज सर इसका बैकलॉग जो है वो अपने आप में एक खुद बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, बस कीप स्टडिंग और कीप असाइड योर स्कूल, स्कूल को एक तरफ रखिए प्लीज, बीच में मत आने दो, ठीक है। चार दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा, ध्यान सुनना, चार दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा, आज मजबूरी में पढ़ लें